प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा कॉमन सर्विसेज सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। असम और त्रिपुरा की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज असम के गुवाहाटी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अलंकरण समारोह को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने त्रिपुरा में GST भवन का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्रामीण जल स्वच्छता और साफ सफाई पार्टनर्स फोरम वॉश के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।